नदी नहीं है हम जो सागर में खो जाएंगे। तो म्यूजिक से, क्योंकि पहले से कोई सपोर्ट ऐसा था नहीं हमें, म्यूजिक तो मैंने शादी के बाद मतलब संगीत में प्रभाकर बात नहीं किया। म्यूजिक और डांस ये सारी आर्ट फॉर्म तो बचपन से ही मेरा पैशन है, तो अच्छा तो ऑफ कोर्स लगता है, मेरा मन ही इसी चीज में लगता है। पहले का जो जमाना था उस समय किसी भी आर्ट को या स्पेशली म्यूजिक में करियर्स को लेकर चाहे लड़का हो चाहे लड़की बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं किया जाता। चल उठ जा ना कर फिकर, हिम्मत तेरी तकदीर, बदल दे तू सबका नजरिया। वुमनिया ओ वुमनिया। नमस्कार दोस्तों, मैं माधुरी जबराल और आज मैं पहुंची हूं देहरादून में। और देहरादून में मैं आपको मिलवाने जा रही हूं यहां के हमारे उत्तराखंड के बहुत ही फेमस वुमेन्स बैंड, जिस जो कि वुमेनिया बैंड के नाम से फेमस है। और जहां पर एक ऑर्केस्ट्रा हो गया, एक बैंड हो गया, आपने देखा होगा कि अक्सर हमारा जो मेल फोक है उसी की एक मोनोपोली, मैं कहूंगी बुरा मत मानिएगा, लेकिन इस तरह से था। तो हमारे देहरादून से स्वाति सिंह जी हैं, उनके माइंड में एक चीज आई कि जब हर जगह बराबरी वाला कॉन्सेप्ट है तो बैंड्स में सिर्फ मेल्स ही क्यों रहे और हमारे जेंटलमैन ही क्यों रहे, व्हाई नॉट अवर ब्यूटीफुल लेडीज। और इसी के साथ इन्होंने एक बैंड की शुरुआत की 2016 में, जो कि इनका पैशन था म्यूजिक। और स्वाति सिंह जी ने अपनी चार फ्रेंड्स के साथ, मैं कहूँ या अपनी कलीग्स के साथ, एक बैंड की शुरुआत की। और कैसा उनका सफर था, क्या उनकी जर्नी थी और किस तरीके से उन्होंने यहाँ तक आज जो सफर तय किया है उसमें क्या संघर्ष रहे हैं, इसी पर है आज हमारा पॉडकास्ट। और मैं मिलवाती हूँ आपको स्वाति सिंह जी से। तो बहुत बहुत स्वागत है स्वाति सिंह जी आपका, और साथ में है शाकुंभरी जी और ये उनकी प्यारी सी बेटी है श्री विद्या। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि इतनी छोटी एज में अगर कोई हमारी बेटिया बैंड से जुड़ी हो और साथ दे रही हो तो कहने ही कहें। तो आइए जानते हैं उनके सफर के बारे में। तो मैम, कैसे शुरू किया, कैसे आइडिया आया, थोड़ा सा अगर आप अपनी जर्नी हमें बताएं। मेरा खुद का तो बचपन से ही संगीत में बहुत ज़्यादा जुड़ाव रहा है और मुझे लगता है मैं काफ़ी लकी हूँ इस मामले में कि मुझे फैमिली से ही, मेरी मदर से मुझे म्यूज़िक मिला है। मेरी मदर म्यूज़िक टीचर रही हैं कॉलेज में। सो बचपन से मुझे सीखने का मौका मिला, शास्त्रीय संगीत सीखा, घर से शुरुआत हुई, उसके बाद प्रॉपर ट्रेनिंग किया उसका, गुरुजी से सीखा और इस तरह से। तो संगीत तो मुझे बचपन से मिला हुआ है और हमेशा से रुझान रहा है, बहुत ज़्यादा पैशन रहा है। लेकिन अगर आज से हम लोग थोड़ा 10-15 साल 20 साल पहले की बात करें, जिस जनरेशन को हम लोग बिलोंग करते हैं उसमें, और स्पेशली एक छोटे से शहर में जहाँ मैं पैदा हुई, पली बड़ी, मेरी जहाँ एजुकेशन है, तो वहाँ पर इतना ज़्यादा म्यूज़िक को लेकर के करियर ओरिएंटेड तो नहीं था, पहले था ही नहीं, और छोटे शहरों में तो और भी ज़्यादा दिक्कत थी। तो पैशन था लेकिन अपनी पढ़ाई वगैरह मैं पूरी करती रही और इस तरह का पता नहीं था कि म्यूज़िक में यूँ प्रोफेशनल करियर भी बनते हैं। तो एज यूजुअल हॉबी की तरह संगीत चल रहा था और बाकी पढ़ाई लिखाई और जॉब और ये सब वो सबकी तैयारी चल रही थी। तो बस वही, मैं अपना एकेडमिक्स कंप्लीट किया, उसके बाद मैं जॉब में आई। बट क्योंकि आत्मा और मन सब कुछ संगीत में लगा था तो जॉब में मन लगा नहीं, इसलिए ड्रॉप करके फिर मैंने अपना एक इंस्टीट्यूट शुरू किया, म्यूज़िक इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, जिसमें मैंने ट्रेनिंग अलग अलग म्यूज़िक के सारी चीज़ों की ट्रेनिंग से स्टार्ट करी, मीन्स सिंगिंग, डांस, इंस्ट्रूमेंटल, एवरीथिंग। सप्ता कॉलेज ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के नाम से ये मैंने शुरू किया 2011 में। उसके बाद बस अब दिमाग में एक बैक ऑफ द माइंड आइडिया था शुरू से कि क्यों ना एक ऐसा बैंड बनाया जाए, ऐसा म्यूजिक ग्रुप बनाया जाए, क्योंकि ज़्यादातर जब मैं परफॉर्मेंसेस देखती थी म्यूजिकल ग्रुप्स की तो उसमें ज़्यादातर लड़के होते थे, एक आधा फीमेल सिंगर्स होते थे सिर्फ। अब क्योंकि मैं कई तरह के इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करती हूँ तो मुझे लगा कि इंस्ट्रूमेंट्स पर भी लड़कियाँ क्यों नहीं। तो वो एक ऐसी, मतलब कह सकते हैं कि इमेजिनेशन था, एक ऐसी आइडिया था यंग टाइम पे। उसके बाद जब इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया तो फिर से मन किया कि करते हैं इसको। बहुत लोगों से बात करी और शाकुंभरी मैम श्री को लेकर के मेरे इंस्टीट्यूट में आते थे, श्री उस समय डांस सीख रही थी हमारे इंस्टीट्यूट में, तभी और भी छोटी थी, अभी आपको छोटी लग रही है, उस समय और छोटी थी। तो
फिर मैम क्योंकि खुद भी म्यूजिक में क्वालिफाइड रही है, इन्होंने भी शास्त्रीय संगीत सीखा है, तो ऐसे ही इन जनरल मेरी बात हुई कि मैं ऐसा सोच रही हूँ आप क्या इसमें इंटरेस्ट लेंगे, तो मैम को अच्छा लगा मेरा आइडिया और मैम ने बोला कि मैम करते हैं इसको साथ में। तो इस तरह से फिर ये आइडिया डेवलप करना शुरू किया। फिर श्री को हम लोगों ने इसको पूछा क्या, मैंने शायद बताया इसको कि तुम्हें ड्रम सीखना है और वो बेचारी डांस सीखते सीखते उसने ड्रम्स स्टार्ट कर दिया और इस तरह से 2016 में फाइनली ये बैंड अपने ग्रुप में आ गया और शुरू कर दिया हम लोगों ने। कुछ ज़्यादा सोचा नहीं था कि क्या होगा कैसे होगा, बस प्रैक्टिस स्टार्ट करी, बट ये है कि हाँ लोगों ने पसंद किया और लोगों को अच्छा लगने लगा तो हम लोगों को मोटिवेशन मिलने लगी कि इसको और बेहतर किया जा सकता है। तो 2016 की मुझे ध्यान है मैम, हम लोग अखबारों में, तब न्यूज़पेपर था, सोशल मीडिया था, तो बड़ा एक जब स्टार्ट किया था आप लोगों ने तो एक मतलब वो इस तरह से था कि भाई एक वुमेन्स का बैंड शुरू हो रहा है, क्योंकि थोड़ा अलग सा तो था कॉन्सेप्ट हमारे इधर और दूसरी जगह का तो खैर मुझे आइडिया नहीं है, बट यहाँ पर इस तरह का कोई बैंड था नहीं आप लोगों से पहले, तो एक बड़ा अच्छा लगा, हम भी पढ़ते थे अच्छा क्या है कैसे कर रहे हैं। तो जब आपने वो जर्नी शुरू की अपनी और ये सोचा तो कभी दिमाग में ऐसा आया कि कैसे होगा, कोई डाउट्स थे कि क्योंकि हमारी सोसाइटी जो है वो थोड़ा सा मेल डोमिनेटेड तब थी, अब तो खैर बहुत फर्क आ गया, तो कभी ऐसा लगा कि चले ना चले हम करियर की तरह से ले तो रहे हैं, लेकिन ये कुछ डाउट्स या देखिए एक बात तो यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि इस केस में मुझे लगता है कि ये तो एक समस्या अलग है कि हम बीइंग फीमेल हम लोग ऐसा सोच रहे थे, लेकिन वैसे भी आप अगर देखेंगे अब सोशल मीडिया के जमाने के इतना सोशल मीडिया का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस होने के पहले का जो जमाना था उस समय किसी भी आर्ट को या स्पेशली म्यूजिक में करियर्स को लेकर चाहे लड़का हो चाहे लड़की बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं किया जाता। हाँ 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 वो थोड़ा सा अलग ही रखा जाता जी मेन स्ट्रीम से बिल्कुल, मतलब लड़कों को भी बहुत ज्यादा इस बात को लेकर के प्रमोट नहीं करते थे सोसाइटी में कि वो म्यूजिक में करियर बनाए, तो ये तो समस्या रही ही है। और हाँ उसके साथ ये एक और समस्या हम लोग के साथ थी क्योंकि बीइंग ऑल फीमेल बैंड हम लोग कोशिश कर रहे थे इसको प्रोफेशनली लेने की, तो संघर्ष भी रहा, समस्याएं अपनी थी क्योंकि और अभी भी हैं कि आप जब कहीं शो परफॉर्म करने जा रहे हैं तो आपको अकेले ट्रैवल करना है, लेट नाइट में प्रोग्राम्स होंगे आप वहाँ से आपको वापस ट्रैवल करना है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिस पर पेरेंट्स या जो भी आपके गार्जियन हैं वो लोग उन्हें लगता है कि इतना सुटेबल नहीं है ये प्रोफेशन लड़कियों के लिए, तो ये अपने आप में एक समस्या है। और दूसरा ये भी कि लेट नाइट प्रैक्टिसेस हैं या इसमें कोई सर्टेनिटी नहीं है करियर में कि कोई फिक्स जॉब जैसा नहीं है जैसे कि होता ही है, तो ये दिक्कत तो रही, बट शुरुआत में जब हम लोग कर रहे थे उस वक्त चैलेंज खुद को भी खुद के लिए भी था और कहीं ना कहीं थोड़ा प्रेशर भी था दिमाग में कि कुछ आप हटके करते हैं तो वो एग्जाम्पल तो बनता है लेकिन वो दोनों तरह से एग्जाम्पल बन जाता है। हाँ। अगर आप सक्सेस हो गए तो वो ये एग्जाम्पल बन जाता है कि हाँ देखो उन्होंने कर लिया, लेकिन अगर आप नहीं कर पाए तो वो भी एक एग्जाम्पल सेट होता है, बहुत लोगों को डिमोटिवेट करने का भी एग्जाम्पल सेट हो जाता है कि देखो कोशिश तो करी थी नहीं कर पाए क्योंकि नहीं कर सकते हैं और जनरलाइज कर देते हैं लोग, तो कभी कभी तो मुझे ऐसा महसूस होता था कि मैं बिल्कुल हिंदुस्तान की आधी आबादी की जिम्मेदारी अपने कंधों पे लिए हुए हूँ कि मेरे मतलब हम सबके आगे के इस परफॉर्मेंस से या अपने जो काम को हम लोग कर रहे हैं उसके उसका रिजल्ट बताएगा कि लोग सोसाइटी में इसको किस तरह से लेंगे कि हाँ लड़कियों को इस तरह से आउट ऑफ द वे जाके कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता था कि ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आप कुछ अलग करें तो वो अच्छे तौर पे भी एग्जांपल बन सकता है और बिल्कुल डीमोटिवेशन का एग्जांपल भी बन सकता है, बट वी आर लकी इनफ कि हमें बहुत सपोर्ट मिला हम लोगों के आसपास के लोगों से, अपने शहर से, अपने स्टेट से और भी जहाँ और भी जो दूसरे स्टेट्स में हम लोग परफॉर्म करने जाते हैं वहाँ पर भी बहुत प्यार और बड़ा सम्मान मिला है हम लोगों को, ये मतलब हम लोगों के लिए इसने बहुत मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, हम सबकी ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। चलिए बहुत अच्छा भी लग रहा है आपकी बातें सुनकर, और कहीं ना कहीं ये है कि ये आने वाली पीढ़ियों के लिए, हमारे आने वाली जनरेशंस के लिए, लड़की हों या लड़के हों उनके लिए भी एक आपकी अच्छी एक स्टोरी है। शाकुंभरी जी, स्वाति जी, तो खैर इनका तो पैशन था, आपका भी था, बट आपके साथ और चीज़ें थी, बच्ची जुड़ी थी, आपके हस्बैंड थे, तो घर से जब आपने ये आइडिया उनके सामने रखा इस तरह से बैंड से जुड़ने का, तो
कुछ घर से क्या रिएक्शन था, मतलब एकदम से जाओ ठीक है बढ़िया, या फिर कुछ समझाना पड़ा आपको? नहीं, पहले तो कोई किसी के समझ में ही नहीं आया बट मैंने मतलब ऐसे परमिशन नहीं मांगी, मैंने बताया कि मैं ऐसा करना चाहती हूँ और मैं ये करना चाह रही हूँ, मुझे करना है। तो म्यूजिक से, क्योंकि पहले से कोई सपोर्ट ऐसा था नहीं हमें, म्यूजिक तो मैंने शादी के बाद मतलब संगीत में प्रभाकर बात नहीं किया। अच्छा। तो पहले से ही कभी मतलब मना ही थी हमारे घर में, संगीत को कोई इतना तवज्जो नहीं दिया गया कभी भी नहीं। तो बस ये है कि मैंने सीधा जाकर बात करी और बताया कि हम ऐसा ऐसा सोच रहे हैं, हम बैंड अपना फॉर्म कर रहे हैं और मैं ये इंस्ट्रूमेंट बजाना चाह रही हूँ, ये करना चाह रही हूँ और मुझे करना है। तो बस जब पता चल जाता है सामने वालों की भाई इन्होंने सुनना तो है नहीं, हो तो फिर साथ दिया फिर बाद में। अच्छा। हाँ, ये कि एकदम से तो हाँ किसी की भी नहीं थी, बट एक टाइम के बाद फिर देखा उन्होंने परफॉर्म करते हुए न्यूज़पेपर्स में, हमारा टीवी चैनल्स में, न्यूज़ चैनल्स में लगातार इंटरव्यूज आने लगे, तो फिर तो सभी को बहुत अच्छा लगा, रिश्तेदार सब ने मतलब, फिर अब तो खैर सभी सपोर्ट करते हैं। तो वो तो खैर चलिए सपोर्ट करते हैं और अच्छा लगता है, लेकिन आपकी खुद की आपको क्या परेशानी आई होंगी, क्योंकि बिटिया भी थी आपके पास और घर को मैनेज करना, बच्चों को मैनेज करना, हस्बैंड को मैनेज करना और साथ में अपना इतना, वो भी आपका कैसा था, एक 9 to 5 की जॉब नहीं थी, आपके सारे फंक्शंस मुझे लगता है मैक्सिमम 5 के बाद शुरू होते हैं, जब मतलब वुमेन्स का घर जाने का टाइम होता है उसके बाद आपके बाहर आने का, तो ये वाली कभी कॉन्ट्राडिक्टरी ये सिचुएशन आई और कैसे फेस किया? हाँ, कई बार हम लोग जैसे शो में जा रहे हैं तो लेट नाइट ही लौटना होता था, तो अब कई चेहरे ऐसे होते हैं जो मतलब हमें लगता था कि सिर्फ हमको ही घूर रहे हैं, हमको ही देख रहे हैं तो थोड़ा अजीब सा तो लगता था। कई लोगों ने इनडायरेक्टली बोला भी, उन्हें ये लगता था कि मतलब ये तो बाहर ही रहते हैं हर वक्त, घर तो क्या ही देखते, लेकिन हमने मैंने कभी भी मतलब मेरा घर कभी सफर नहीं किया, मेरे बच्चे या कोई भी, सब कुछ मैनेज करते हुए हमने अपना जैमिंग करी, प्रैक्टिस करी, शोज करे, घर का काम निपटा कर जाना और फिर आकर फिर घर में लगना, तो सब कुछ वही चलता रहा, कोई कुछ डिस्टर्ब नहीं किया हमने। आपने मैनेज बहुत अच्छे से किया, इट मींस श्री बेटा थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूंगी और आपसे सबसे ज्यादा इसलिए जानना चाहूंगी क्योंकि फ्यूचर आप ही हो, हम लोग से अगली वाली जनरेशन है, कैसा लग रहा है बैंड के साथ जुड़ के और वो भी साथ में मम्मा के साथ? म्यूजिक और डांस ये सारी आर्ट फॉर्म तो बचपन से ही मेरा पैशन है, तो अच्छा तो ऑफ कोर्स लगता है, मेरा मन ही इसी चीज में लगता है। हाँ। और मम्मी है इस बात का बहुत बेनिफिट है मुझे। हाँ। कि कहीं भी जाती हूँ तो मतलब मेरे को हमेशा सेफ फील करती हूँ क्योंकि मैम भी है, मेरी मम्मी भी है, तो इनके साथ में प्रोफेशनली काम कर रही हूँ, ये तो वाकई बहुत अच्छी बात है मेरे लिए, बढ़िया लगता है। तो क्या सोचा है आगे फ्यूचर के लिए, बैंड को और आगे ले जाना है और बड़े लेवल पर? हाँ। तो और आपके साथ के जो बच्चे उनके लिए क्या कहना चाहोगी, मतलब जो इस तरह के बच्चे हैं जिनका ये पैशन है? मुझे तो लगता है वैसे आजकल जनरेशन काफी ज्यादा, अब तो पहले बोलने की जरूरत पड़ती थी कि अपना पैशन फॉलो करो, परस्यू करो, बट आई थिंक अब तो सब अपना पैशन जो भी है सब खुलकर परस्यू कर रहे हैं। हाँ, लेकिन कहीं कहीं सिचुएशन होती है कि पेरेंट्स चाहते हैं भाई क्या रखा है नाच गाने में, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, इतने फील्ड्स हैं, अब्रॉड जाओ, ये स्टडी करो, वो स्टडी करो, कभी ऐसा आपके साथ है कोई ऐसे इस तरह के? नहीं, मेरे साथ तो जितने भी शायद इसलिए भी क्योंकि वो मुझे भी देखते हैं। हाँ। मेरे जितने दोस्त थे तो वो पहले नहीं करते थे ऐसी कई चीजें, जैसे कोई पेंटिंग करता है कि सबके अलग अलग फील्ड है, म्यूजिक में तो नहीं है मेरे साथ कोई, पर उनके साथ सबकी मदर्स मुझे जानती है तो अब उनका मेरा इम्प्रेशन काफी अच्छा है, तो फिर ओ, अब वो उनकी मदर्स भी सपोर्ट करने एम्बेसडर हो गए नहीं ये बहुत अच्छा है कि इस तरह के बच्चे निकल कर आ रहे हैं और मुझे तो बड़ा अच्छा फील हो रहा है कि मैं इतनी प्यारी सी बिटिया का मैं यहाँ पर पॉडकास्ट में मैं उनसे सुन पा रही हूँ। तो स्वाति जी, अभी तक जो आपने जो परफॉर्मेंस की हैं तो ऑडियंस का कैसा रहता है और कैसे आपको इसमें मतलब कैसे मैनेज करती हैं, फिनेंशियली कोई प्रॉब्लम्स कभी आती हैं या बिल्कुल बढ़िया आपका रहता है इसमें? और देखिए इसमें दो तीन बातें, पहली बात यह है कि म्यूजिक को जनरली लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा डॉक्टर बनने की प्रिपरेशन कर रहा है या आईएएस बनने की प्रिपरेशन कर रहा है या किसी भी जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहा है, वो 1, 2, 3, 4 अटेम्प्ट में अगर नहीं भी क्लियर कर पाता है
तब भी पेरेंट्स उसको ये नहीं बोलते कि मत करो, घर पे बैठ जाओ, बिल्कुल नहीं बोलते ना, और उसको परस्यू करते हैं और अच्छी कोचिंग कराएंगे और ज्यादा टाइम देंगे और ज्यादा उसको फैसिलिटेट करेंगे कि भाई वो प्रिपरेशन करके अपनी जॉब निकाल लें। बट म्यूजिक के केस में कैसा है कि कोई भी इसे सीरियसली नहीं लेता है, इसलिए अगर बच्चा लड़ झगड़ के ऑडिशन देने इंडियन आइडल का चला गया और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो बस आज से बंद ये रिएक्शन जनरल आता है। तो मैं ये बोलूंगी कि किसी भी करियर, किसी भी बिजनेस, किसी भी जॉब को परस्यू करने के लिए आपको टाइम, डेडिकेशन, एनर्जी, फोकस देना पड़ता है। सेम विद द म्यूजिक एज वेल। इनफैक्ट म्यूजिक या कोई भी आर्ट मुझे लगता है कि एक्सपेंसिव होती है। आपको इंस्ट्रूमेंट्स बाय करने हैं, आपको स्टूडियो चाहिए, अगर आपको एक म्यूजिक वीडियो भी बनाना है तो उसके लिए भी आपको फंड्स चाहिए, तो थोड़ा एक्सपेंसिव फील्ड तो है ये। तो बट मैंने हमेशा इसको इस तरह से लिया कि लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, स्टार्टअप करते हैं, शॉप खोलते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसमें इन्वेस्ट करते हैं ना इनिशियल, तब वो उससे रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं और एक टाइम तक तो इन्वेस्ट करना ही पड़ता है। बिल्कुल, लेकिन बस ये कि इस तरह से लाइन ऑफ थॉट एक जैसा होना ये इम्पोर्टेंट है। जो मैं लकी हूँ कि मुझे मेरे मेंबर्स ऐसे मिले कि जब ये सब डिस्कशन मैंने मैम से करी, क्योंकि श्री तो उस वक्त छोटी थी तो श्री का भी जो डिसीजन मेकिंग का वीटो पावर था वो मैम के ही पास था, तो मैं और मैम ये डिस्कस करते थे, तो मैम इस बात को सपोर्ट किया और हम लोगों ने ये बात समझी कि थोड़ा इनिशियली हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने अपने इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह बाय करे और सेटअप वगैरह लिया, स्टूडियो सेटअप। तब इतना ज़्यादा कमर्शियल शोज हम लोग पे नहीं आ रहे थे, तब भी हम लोगों ने चीज़ों को मैनेज किया और लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा। जब हम लोग ने फर्स्ट लाइव किया था, लाइव परफॉर्मेंस, तब बहुत ज़्यादा नर्वसनेस थी हम लोग बहुत ज़्यादा, क्योंकि वही तय करने वाला था, वही शो तय करने वाला था कि हम लोग इसे आगे कितना कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो वो शो हम लोगों का बहुत अच्छा था, लोगों को बहुत पसंद आया, लोग खड़े होकर के हम लोगों के लिए क्लैप कर रहे थे, तो वो एक पल था जिसने हम लोगों को सभी को बहुत मोटिवेट किया। हमें लगा कि ठीक है, वी आर एट द राइट ट्रैक, हम लोग और तराश सकते हैं इसे और पॉलिश कर सकते हैं अपने म्यूजिक को, अपनी चीज़ों को। फिर हम लोग और तन मन से बिल्कुल मेहनत में लग गए इन चीज़ों को। धीरे धीरे हम लोगों ने गाने रिलीज करे, अपने गाने बनाए, म्यूजिक वीडियोस डाले, यूट्यूब पर भी अच्छा रिस्पांस आ रहा था, लाइव में भी अच्छा रिस्पांस आ रहा था, तो धीरे धीरे करके मेंटेन्ड हो गया। बट हाँ, शुरुआती जो 2-3 साल थे वो काफ़ी मुश्किल थे फाइनेंशियल टर्म्स में भी, और क्योंकि हम लोग भी इतने एक्सपीरियंस नहीं थे चीज़ों को लेकर के, तो वही रास्ते बन रहे थे कि कैसे शोज आते हैं, कैसे उनको डील करते हैं, कैसे फिर ट्रैवल प्लान करना है, वो सारी चीज़ें सीखते जा रहे थे, करते जा रहे थे, सीखते जा रहे थे, करते जा रहे थे। तो बस वही है, वो हिट एंड ट्रायल करते करते चीज़ें यहाँ तक आ गई हैं। लेकिन हाँ, बहुत बहुत ओवरवेलमिंग था, मतलब इतना तो एक्सपेक्ट नहीं किया था जब हम लोगों ने शुरू किया था, इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरह से लोग इसे पसंद करेंगे। और अच्छी बात है कि म्यूज़िक को पसंद कर रहे हैं हमारे लोग, हम लोग गाने बनाते हैं तो उसमें भी बहुत डिफरेंट इनपुट्स आते हैं हम लोगों के पास। हाल फिलहाल हम लोगों ने अभी एक प्रोजेक्ट रोशनी भी शुरू किया जिसमें अब मैं देख रही थी कुछ टाइम पहले, तो उसमें जो अंडर प्रिविलेज लड़कियां हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, उन बच्चों को हम लोग फ्री वर्कशॉप्स करा रहे हैं म्यूज़िक की, एंड फिर उनके साथ कुछ म्यूज़िक वीडियोस, कुछ ऑडियोस भी हम लोग रिलीज़ कर रहे हैं। तो बस इस तरह से जर्नी चल रही है और थैंक्स टू ऑल, थैंक्स टू एवरी वन, मतलब मैं बहुत बहुत दिल से सबको शुक्रिया करना चाहती हूँ कि उन्होंने वुमनिया बैंड को इतना प्यार दिया है। वुमनिया बैंड है ही ऐसा, किसे प्यार मिलना ही था। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी, जो आपका बैंड है तो उसमें आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कुछ अलग अलग होंगी, जैसे डिवाइडेड, तो आपकी क्या उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, आप क्या उसमें आपका रोल है? अब देखिए, कलेक्टिवली हम सब लोग मिलकर काम करते हैं किसी भी टास्क को, बट हाँ, जिसकी जिसकी जो स्पेशलिटी है, अब ऑब्वियसली अपने इंस्ट्रूमेंट्स तो हम लोग के अलग हैं, मैं गिटार प्ले करती हूँ, वोकल्स पर हूँ, मैम बेस गिटार प्ले करती हैं, बैक वोकल्स देती हैं, श्री वोकल्स पर है, ड्रम्स प्ले करती है, तो और ये जो ये काम भी है ना, म्यूजिक का जो काम है, कंपोजिशन का, लिखने का, रिकॉर्ड करने का, टीम वर्क है, तो ऐसा स्पेसिफिक कुछ भी नहीं है। बट हाँ, जैसे शोज के लिए जो डील करना है या प्लान करना है आगे का, कि हम लोग किस किस तरह से अपने शो के टूर्स करने वाले हैं,
वो सारा मैं देखती हूँ, बाकी मैम और तरह से चीजों को डिजाइन कर, बैक एंड पे जो हेल्प चाहिए होती है, जो सपोर्ट होता है, क्योंकि फ्रंट पे ही उससे ज्यादा बैक एंड पे मेहनत लगती है। बिल्कुल बिल्कुल। और श्री हमें इनपुट्स देती है अपनी जनरेशन के, कि इस जनरेशन के लोग के बच्चों तक हमारा म्यूजिक पहुंचने के लिए हमें कैसे करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा मैम आप प्ले करेंगे, आपको क्योंकि वोकल आर्टिस्ट हैं और मैं तो खैर सुनती हूँ आपको, बट अगर आप थोड़ा सा कुछ प्ले करें। तो ये गीत बनाया था हम लोगों ने, वुमेन्स डे पर ही रिलीज किया था, तो ये सभी लड़कियों के लिए है। नदी नहीं है हम जो सागर में खो जाएंगे, सागर में खो जाएंगे, नहीं कमजोर पाओ हम जो थक कर सो जाएंगे, थक कर सो जाएंगे, ये दुनिया पढ़ेगी अपनी भारत, अभी तो शुरुआत लिखी है हमने, शुरुआत लिखी है हमने, शुरुआत लिखी है हमने, उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा रे, उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा रे, ए उड़ जा चिड़ैया उड़ जा रे नील गगन में, उड़ जा रे उड़ जा चिड़ैया उड़ जा रे, उड़ जा चिड़ैया उड़ जा रे, हिम्मत के पंख लगा कर परवाज भरी है हमने, गीतों को गले लगा के पहचान भरी है हमने, होगी मुकम्मल अपनी इमारत अभी तो, एक ईंट रखी है हमने, एक ईंट रखी है हमने, एक ईंट रखी है हमने, उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा रे, उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा रे। वाओ बहुत ही, मैं तो फिर सुनती भी हूँ आपको, फॉलो भी करती हूँ, और आज लाइव देख के तो और मजा आ गया है। तो स्वाति जी एक चीज मैं जानना चाहूंगी, जैसे आपने वुमेन्स को लेके ये बैंड बनाया है और आपको बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है, कभी इसमें मेल फोक्स को जोड़ने का आगे इन फ्यूचर, अभी तो नहीं बट ऐसा कुछ सोचा है, या सिर्फ लेडीज को लेकर ही रहेगा? नहीं, हम लोग कलेक्टिवली भी परफॉर्म करते हैं। हाँ जी, काफी जगह ऐसा है कि कुछ आर्टिस्ट को कोलैब करते हैं मेल आर्टिस्ट को, या फिर उनके साथ कलेक्टिवली भी परफॉर्म करते हैं, ऐसा मतलब ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। कि मेल्स की एंट्री नहीं है या हम लोग कर नहीं सकते, इट्स नॉट लाइक दैट, बट हाँ कॉन्सेप्ट वुमनिया लोगों को पसंद आता है तो उन्हें लगता है कि ये उनके लिए नई चीज़ है, तो वो ऑल वुमेन बैंड प्रिफर करते हैं, अदरवाइज वी आर ओपन फॉर एवरीथिंग, ऐसा कुछ नहीं है। तो शादुमरी जी, क्योंकि आपका वाला पार्ट जो है वो बड़ा मजबूत है, बैक एंड से जो आप सपोर्टिव हैं, और जैसे स्वाति जी आपको बता रही हैं कि क्योंकि एक टीम होना बहुत जरूरी है, और आपकी तरह स्ट्रॉन्ग टीम होना, और ये इससे अच्छी बात क्या होगी कि आप अपनी बिटिया को भी यहाँ पर लेकर आइए, तो ये एक बहुत पॉजिटिव एक मैसेज है आपके बैंड के लिए। तो आप जैसे इस तरह की जो माएँ हैं जो म्यूजिक को बच्चों को कहती हैं कि म्यूजिक से डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, गाने बजाने में क्या लिखा है, क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल, ये तो मुझको भी फेस करना पड़ता है कि श्री के लिए जैसे ही कोई पूछता है कि श्री क्या कर रही है, तो मैं बोलती हूँ म्यूजिक परस्यू कर रही है, अभी ग्रेजुएशन भी वो म्यूजिक से ही कर रही है, तो सब मुझे कहते हैं कि मतलब इसमें क्या है, मतलब साइंस दिलाना था उसका कैरियर के बारे में सोचना था, तुम तो अपना स्वार्थ देख रहे हो, कई बार मुझे ये सुनने मिल जाते हैं कि तुम अपना स्वार्थ देख रहे हो, तो फिर बिल्कुल ऐसा नहीं है, श्री विद्या की पसंद यही थी, और उसका छोटे से ही मतलब 4-5 साल की थी तब से उसका था कि मम्मा मुझे डांस
डांसर बनना है। फिर थोड़े टाइम बाद उसका खुद से ही चेंज हुआ, अब वो सिंगिंग में ज्यादा इंटरेस्ट लेती है, ड्रमिंग इंस्ट्रूमेंट सारे ही इंस्ट्रूमेंट में उसका खुद का इंटरेस्ट है। मैंने कभी उसको रोका नहीं, ना कभी ये बोला कि ये सही है ये गलत है, इतना समझ उसको है। और मैम उसको बहुत छोटी एज में मैम की गाइडेंस मिली है, तो मतलब मुझे इतना ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट पेरेंट्स बहुत रोकते हैं अपने बच्चों को, क्योंकि मेरे जानने वालों में कोई भी बच्चा अभी तक कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करने वाला बच्चा नहीं है। जितने भी मेरे रिश्तेदार हैं या मेरे जानने वाले मेरे दोस्त हैं फ्रेंड्स हैं, सब बड़े प्राउड से बोलते हैं कि हमारे बच्चे तो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, हमारे बच्चे थे। तो मैं अपने ही प्राउड से बोलती हूँ, क्योंकि फाइनली वो सुनते श्री विद्या को ही हैं। थके होते हैं या जब बोर हो रहे हैं या उदास में, तो वो उसी के गाने सुन रहे होते हैं और फिर फीडबैक भी देते हैं, यार बहुत अच्छा कर रही है श्री विद्या। तो लेकिन मैं सबसे यही कहूँगी कि हर बच्चे की अपनी पसंद है, अपनी ख्वाहिश है, तो अपनी मर्जी नहीं थोपनी चाहिए पेरेंट्स को, उसको करने दीजिए, जो वो करना चाहती है वो उसको करने दीजिए, वो उसी में बहुत आगे निकल जाएगा बच्चा। बिल्कुल सही आपने बात कही है कि, और श्री बेटा एक चीज़ मैं आपसे बिल्कुल जानना चाहूँगी, क्योंकि जो ये म्यूज़िक वाला पार्ट है, जहाँ तक हमारी अभी सोसाइटी बहुत ज़्यादा हम ब्रॉड मेंटेलिटी के भी हो गए हैं, अब हम उस चीज़ से बाहर भी नहीं, पर फिर भी आप देखोगे कि अभी भी कुछ हद तक हम लोग ये कहते हैं कि हॉबीज तक ठीक है ये, बट प्रोफेशन में इसको अभी तक उस तरीके से हम नहीं लाए हैं। आपने क्या सोचा है, आपको कैसा लगता है इसको, और कहाँ तक फ्यूचर के लिए क्या सोच रही हो, तो आगे तक इसको परस्यू करोगे? हाँ, ऐसा बिल्कुल आगे इसी को मतलब ये, क्योंकि आपका तो खैर मम्मा का सपोर्ट भी पीछे से है, तो ऑब्वियसली फैमिली का सपोर्ट हो गया। स्वाति जी, मैं आपसे इस बात पे, क्योंकि श्री की अभी वो एक्सपीरियंस नहीं है शायद हमारे समाज को लेकर। हाँ, देखिए एक्सपीरियंस की बात तो ये है कि मुझे लगता है मैंने तो बहुत ही ज़्यादा करीब से इस एक्सपीरियंस को किया है, क्योंकि मैंने अपनी जॉब क्विट करी है। तो और जब मैंने अपने जॉब अपने करियर के अपोजिट अपने म्यूज़िक को चुना, तो ऑलमोस्ट लोगों को लग रहा था कि मैं पागल हूँ, मेरा दिमाग ख़राब हो गया है कि मैं ऐसा कर रही हूँ। हाँ, जॉब छोड़कर इसमें। हाँ बिल्कुल, तो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती थी, लेकिन मैं कहूँगी थैंक्स टू मीडिया एंड सोशल मीडिया चीज़ें बहुत बदल गई हैं, बहुत ज़्यादा चेंज हो गई। कम से कम अच्छे शहरों में जहाँ पर अर्बन पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल गई हैं। ऐसा नहीं है अब बच्चों, एक तो बच्चों में क्लैरिटी बहुत है, हम लोग, मुझे लगता है कि हम लोग की जनरेशन, हम लोग बहुत बड़े तक समझते ही नहीं थे कि बेसिकली हमें चाहिए क्या, कि कॉलेज है, क्योंकि शहर जो घर के पास कॉलेज है वहाँ जो सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं उसी से ग्रेजुएशन कर लो, इस टाइप के चीज़ें थी हम लोगों के पास, मतलब इतने ऑप्शंस नहीं थे, सिचुएशनल चॉइस थी। हाँ कि उस समय मुश्किल था, मतलब मैं 9 में पढ़ी बड़ी हुई हूँ, तो वहाँ पर वहाँ से कानपुर और लखनऊ काफ़ी दूर था, तो कॉलेज के लिए अगर मैं बोलूँ भी कि मुझे म्यूज़िक में कॉलेज में मुझे म्यूज़िक लेना है, तो उसके लिए मुझे लखनऊ या कानपुर जाना पड़ता रोज़, तो वो चॉइस कट हो गई वहीं से कि नहीं नहीं वहाँ तो नहीं जाना है, इस जो शहर में अवेलेबल है उसी में कर लूँ। तो जो सब्जेक्ट्स मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं पढ़े थे वो मैंने ग्रेजुएशन में पढ़े, क्योंकि मैं बाहर गई, जाना अलाउड नहीं था। लेकिन अब चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई हैं म्यूज़िक को लेकर के, सारी चीज़ों को लेकर। इनफैक्ट मैं हर आर्ट फॉर्म की बात करूँगी, क्योंकि प्रॉब्लम हर आर्टिस्ट के साथ सेम रही है, चाहे वो पेंटर हो, चाहे वो राइटर हो, पोएट हो, सभी के साथ सेम इशूज़ रहे हैं, क्योंकि आर्ट फॉर्म्स को इतना ज़्यादा कमर्शलाइज नहीं किया गया शुरू से, और इतना ज़्यादा कमर्शियल बेनिफिट्स नहीं है जब तक आप एक सर्टन लेवल पर नहीं पहुंच जाते, या तो एक बहुत अच्छे लेवल पर आप पहुंच जाते हैं तब वो कमर्शियल बेनिफिट्स आपको मिलना शुरू होते हैं, बट जितना टाइम आप वो सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं जो शुरू से लेके एक लेवल तक जाने के बीच का जो समय होता है, ज्यादातर आर्टिस्ट वहीं क्विट कर जाते हैं, क्योंकि वो सर्वाइव ही नहीं कर पाते हैं। तो है डिफ़िकल्ट, लेकिन मैं तो सबसे कहती हूँ, मेरे इंस्टीट्यूट में जितने स्टूडेंट्स हैं मैं सबको ये बोलती हूँ कि अल्टीमेटली हम सब कुछ करते क्यों हैं, सेटिस्फेक्शन के लिए और खुशी के लिए करते हैं। हम पैसे भी कमा रहे हैं तो हम उसको खर्च कहाँ करते हैं, उन चीज़ों में जो हमें पसंद है। हम बड़ी गाड़ी ले रहे हैं, बड़ा घर ले रहे हैं, महंगे फ़ोन खरीद रहे हैं, इसलिए ना क्यों चीज़ें हमें खुशी देती हैं। तो मुझे लगता है अल्टीमेट गोल तो लाइफ का संतुष्टि है ना, कि आप खुश किस चीज़ में, अगर आप जिस चीज़ में खुश ही नहीं है आप वो काम जीवन भर करते रहेंगे तो आप अपने डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन के शिकार होंगे, अल्टीमेटली आप उसकी दवाइयाँ खाना शुरू करेंगे। तो आप कुछ भी करें, म्यूज़िक को प्रोफेशनली ले या ना ले, लेकिन म्यूज़िक तो एक ऐसी चीज़ है जो आपको वैसे भी हर तरीके की मेंटल हीलिंग देता ही देता है। तो अब चेंजेस हैं, सोशल मीडिया की वजह से काफ़ी चेंज आ चुका है, अब ऐसे भी पेरेंट्स बहुत बड़ी मात्रा में हैं जो अपने बच्चों को पुश कर रहे हैं इस चीज़ के लिए।
कि हाँ तुम करो। आप देखिए व्लॉगर्स का तो कितना कितना ज्यादा कह सकते हैं हम कि जमाना ही आ गया है कि कितने बच्चे हैं जो ब्लॉगिंग को ही अपना जिन्होंने करियर बना रखा है, ट्रैवलिंग को अपना करियर बना रखा है। म्यूजिक में भी चेंज है हाँ, लेकिन वही है कि अर्बन जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ ज़्यादा चेंज है। अभी भी छोटे शहरों में गाँव में अभी भी उतना ज़्यादा ओरिएंटेशन नहीं है, बट मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी से ये चेंज तब भी आएगा। और खास लड़कियों को लेकर के भी थोड़ा थोड़ा चेंज है, बहुत ज़्यादा परसेंटेज नहीं है उसका, बट स्टिल जैसे जैसे मैं मैम को ही देखती हूँ कि श्री को बचपन से इतना ज़्यादा सपोर्ट मिला है कि उसे कभी ये सोचना नहीं पड़ा कि अरे मैं म्यूज़िक करना चाहती हूँ लेकिन मैं कैसे करूँ। क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं मेरे इंस्टीट्यूट में, बहुत ऐसे बच्चे आए हैं जो कहते हैं कि मैम हम सीखना चाहते हैं लेकिन हमें घर से सपोर्ट नहीं है, हम फीस नहीं दे सकते हैं या कुछ। तो फिर ऐसे बच्चों को हम लोग भी सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं क्लासेस करा के। एक चीज़ जो मुझे इसमें लगती है कि अभी जो आपका आर्टिस्ट कोई भी आर्टिस्ट है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं फाइनेंशियल वाला जो मैटर है ना वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि आपको इंजीनियरिंग आपको लगता है बहुत अच्छा पैकेज आपको मिलेगा, आपको लगता है कि आप मेडिकल लाइन में जाते हैं तो आपको अच्छा पैकेज है, आप एमएनसीज में कहीं ना कहीं वो जो फाइनेंशियल वाला पार्ट है वो बहुत मैटर करता है। तो क्यों ये डिफरेंसेस है, मतलब आपको क्या लगता है इसके पीछे, क्योंकि मेहनत तो सभी कर रहे हैं। हाँ, अब डिफरेंस ऐसा है ना, देखिए जॉब और एंटरप्रेन्योरशिप में डिफरेंस है। हर कोई बिजनेस प्रेफर नहीं करता है क्योंकि बिजनेस में रिस्क है, गेन ज्यादा है बट रिस्क भी ज्यादा है। जॉब हर कोई प्रेफर करता है कि अपना 8-9 घंटे की जॉब करनी है और फिक्स सैलरी आपके अकाउंट में आ जाएगी, वो बढ़ के नहीं आएगी लेकिन जितनी है उतनी आ जाएगी। तो पहला डिफरेंस तो जॉब और अपने काम में है, एज अ फ्रीलांसर आप काम कर रहे हो और एज अ जॉब पर्सन आप काम कर रहे हो, उसमें डिफरेंस है। और उसमें भी म्यूजिक को तो अभी एज अ बिजनेस, एज इन स्टार्टअप या ऐसा कुछ कंसिडर ही नहीं किया जा रहा है ना। बिल्कुल। आप देखिए ना, आप इंजीनियरिंग करने के लिए कोई बच्चा जा रहा है, कुछ और पढ़ाई करने जा रहा है, उसे एजुकेशन लोन मिल रहा है, लेकिन कोई बच्चा साउंड इंजीनियर बनना चाहता है, अपना स्टूडियो खोलना चाहता है, तो उसको कोई लोनिंग नहीं है। यही चीज, यही मैं पॉइंट आउट करना चाहती हूं। हां, तो मैंने भी अपनी पिछली बात में यही बात बोली थी कि ज्यादातर आर्टिस्ट बीच में ही क्विट कर जाते हैं, क्योंकि वो जो बीच का जो टाइम है स्टार्ट करने से लेके एक सर्टेन लेवल पे पहुंचने तक का, वहां तक वो सर्वाइव ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो है ही, जैसे और बिजनेसेस में है वैसे ही इस बिजनेस में। ये मानसिकता थोड़ा सा समझने की इस बात को जरूरत है कि जैसे घर का एक बच्चा है, मान लीजिए वो पढ़ने में नहीं अच्छा था या वो कुछ और नहीं कर पा रहा है, तो आप उसको चार चीजें ट्राई कराओगे, ये दुकान नहीं चली चलो ये दुकान खोल लो, अच्छा तुम ये बिजनेस कर लो, अच्छा चलो ये। आप बहुत सारी चीजें आप खर्च करते हो, लेकिन अगर वही बच्चा ये बोलता है कि मेरे को स्टूडियो खोलना है, मेरे को गिटार चाहिए, मेरे को परफॉर्म करना है, तो बहुत कम मात्रा में लोग इस चीज को सपोर्ट करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें तो बहुत ज्यादा रिस्क है। देखिए रिस्क हर चीज में है, ऐसा मतलब आप कोई भी काम करना शुरू करेंगे तो उसमें टाइम एनर्जी फोकस लगेगा ही लगेगा, उतना टाइम एनर्जी फोकस उतनी इन्वेस्टमेंट आप अगर इसमें मन से देंगे तो आपको इसमें भी रिवर्ट मिलेगा। बट ये अवेयरनेस भी कम है और एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है, या तो मतलब इंस्टीट्यूट में भी बच्चे आते हैं तो या तो वो आए और तुरंत इंडियन आइडल बन जाए तब तो वो बहुत खुश है पेरेंट्स लेकिन अगर वो इंडियन आइडल नहीं बन पा रहा है तो चलो छोड़ो खत्म करो और कुछ और करो, कुछ और करो। ये इश्यू है, और ये म्यूजिक के साथ ही नहीं, मुझे लगता है हर आर्ट फॉर्म का इश्यू के साथ के साथ ही प्रॉब्लम्स है। अभी हम लोगों को हम उसको भी सेकेंडरी ही मानकर चलते हैं। और मजेदार बात ये भी है कि जनरेशन टू जनरेशन ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो बोलेंगे कि अरे हमें तो ये पसंद था लेकिन हम तो जीवन चक्र के चक्कर में छोड़ करके आज ये कर रहे हैं। हर कोई ये बात बोल रहा है लेकिन वो अपने बच्चों से भी वही करवा रहा है, ये आपने बड़ी बात है बिल्कुल कि आप बहुत से लोग ऐसे हैं, आप देखिए हम लोगों से पहले की जनरेशन के बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो रिटायर्ड हैं, अब वो शौक ही अपना सिंगिंग परस्यू कर रहे हैं या अपना या कुछ और कर रहे हैं, लिख रहे हैं, पोएट्री कर रहे हैं, अरे हमारा बड़ा शौक था लेकिन क्या बताएं जिम्मेदारियों में, बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं। लेकिन मजेदार बात यह भी है कि हर जनरेशन के लोग अपनी जनरेशन में वो प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं, बट जब वो उनके आगे वाली जनरेशन आती है तभी वो वैसे ही बिहेव कर रहे होते हैं। क्योंकि आप एक आर्ट फॉर्म से है, आपने बहुत अच्छा बयान आपको किया हुआ है, थोड़ा सा उत्तराखंड के जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं वो आपने उनकी कभी मदद ली या कभी सपोर्ट मिला, कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं? पॉलिसीज पता नहीं, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। आपने कभी कोई हेल्प ली है इस तरह का या फिर आप नहीं ऐसा कुछ? अच्छा। तो कभी नहीं,
कोशिश नहीं हुई, कोशिश भी नहीं हुई और मुझे ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी पता भी नहीं चली सामने से। और वैसे तो उत्तराखंड में बैंड इतना ज़्यादा पॉपुलर है हम लोगों का, हम लोग बहुत से गवर्नमेंट प्रोग्राम्स करते हैं, जितने फेस्ट होते हैं वहाँ परफॉर्म करते हैं, तो सबकी नॉलेज में है ये चीज़। और अभी 2019 में हम लोगों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था। बट हाँ, ऐसा कोई फाइनेंशियल या कमर्शियल हेल्प तो ऐसा कभी नहीं ली हम लोगों ने, अभी तक हम लोग इंडिपेंडेंटली ही काम कर रहे हैं। फ्यूचर के लिए क्या सोचा है? हम तीनों का ही ऐसा सोचना है कि हमारे लिए ये जर्नी ही बहुत सुखद है, तो ऐसे कोई ऐसा सोचा नहीं है कि भाई वहाँ पहुँचना है, क्योंकि ये जर्नी ही बहुत खूबसूरत है। जो जितना हम लोग 8 साल में तय करके आए हैं वो बहुत अच्छा रहा है, हम लोगों को बहुत प्यार सम्मान मिला है, बहुत पहचान मिली है इस वजह से, तो बहुत ग्रैटिट्यूड रहता है मुझे तो हर समय। तो मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा क्या मांगूँ, मतलब तो लालच हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये है कि अच्छा बेहतर करना है हर दिन, हर साल, हर दिन, हर महीने, हर पल बेहतर करना है, बस अपना बेस्ट करते रहना है, अपने आप को पॉलिश करते रहना है। और क्या, कितना सुंदर म्यूजिक हम कर सकते हैं, संगीत की और सेवा कितनी कर सकते हैं। और अब तो गोल ये भी है कि और कितने ऐसे लोगों को हम लोग हेल्प कर सकते हैं इस फील्ड में जो चाहते हैं इसमें करना, लेकिन क्योंकि उनके पास कोई गाइडलाइन नहीं है या कुछ, तो मुझे लगता है हम लोग एक छोटा सा रास्ता तय कर चुके हैं। तो थोड़ा बहुत जो एक्सपीरियंस से सीखा है, जो पता चला है, वो शेयर कर सकते हैं। और जो बच्चे अब इस फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, खास तौर पर लड़कियां, उनको हम लोग गाइड कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, जो हम लोग प्रोजेक्ट रोशनी के तहत कोशिश कर रहे हैं करने के बराबर। कोई बिटिया है या कोई लड़की है और वो पैशनेट है जी, वो आपके ग्रुप से जुड़ना चाहे तो क्या कहेंगे आप ऐसे को? कोई हो सकता है आपको देख मैंने, मैंने, मैंने तो ओपन इनविटेशन दे रखा है ऑलरेडी। अच्छा, कि अगर आप पैशनेट हैं इस चीज़ में तो, और या आप सीख रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं सीख रहे हैं, आपको कोई गाइडेंस चाहिए, आप हमें मैसेज करिए, फोन करिए, हम लोग अवेलेबल हैं आपके ब्रांड के साथ जुड़े प्रॉपर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वी आर ओपन फॉर इट। और मैं वाकई चाहती हूँ, मन से चाहती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा सोचती हूँ कि अभी भी 8 साल वुमनिया बैंड को हो गए, फिर भी अभी भी एक ही वुमनिया बैंड क्यों है, क्यों नहीं कई वुमनिया बैंड हैं। तो मैं मन से चाहती हूँ, और मैं एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, प्रॉब्लम टैलेंट या पैशन नहीं है, प्रॉब्लम माइंडसेट, वो कंस्ट्रेंट्स हैं जो रोकते हैं किसी लड़की को इस चीज़ में। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत फर्क करती हैं। जैसे श्री और श्री की मम्मा कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के लिए बैंड में, अदरवाइज अभी क्योंकि मैंने और भी बहुत लड़कियों के साथ काम किया, तो अब वही इश्यूज हैं कि अच्छा कहाँ जा रहे हो, कितने बजे आओगे, किसके साथ जा रहे हो। बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रही हूँ, पेरेंट्स का या गार्जियन का कंसर्न जायज़ है, वो अगर अपने बच्चे को भेज रहे हैं तो उनका कंसर्न बिल्कुल जायज़ है, लेकिन साथ में उन्हें ये भी तो सोचना चाहिए कि ऐसे घर में बैठा करके आप सेफ रखोगे अपने बच्चे को, लेकिन उसके पंख काट रहे हो आप ऐसा करके। आप प्रिकॉशन सारे ले सकते हो, आप गाइड कर सकते हो कि कैसे बेहतर बच्चा बाहर फेस करे, क्योंकि अल्टीमेटली लाइफ फेस करनी है, लड़का हो या लड़की हो, उसे अकेले ही लाइफ फेस करनी है, तो आपको तैयार तो उसे करना ही चाहिए। आप इस डर से आप उसे कुछ करने नहीं दोगे, घर में बैठा के रखोगे तो कैसे ही लाइफ सर्वाइव करेगा। एक चीज जो मेरे दिमाग में आ रही है, अभी जस्ट मैं आपकी बातें सुनकर ही मुझे समझ आया, जैसे आपने कहा आपके पास पहले कुछ था, अब जैसे आपका वुमेन्स का बैंड है और श्री जो है वो आपके साथ जुड़ी हुई है और इतने टाइम से जुड़ी हुई है, एक लेवल तक जुड़ी रहेगी। अब क्योंकि जो लड़कियां हैं उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है शादी के बाद जाना, तो उस वक्त उस जो वो वाली आपकी सिचुएशन होती है कि मान लीजिए कल इसकी शादी होती है और इसको दूसरी जगह जाना पड़ता है, तब आपके बैंड पे कैसे मैनेज करेंगी, क्योंकि ये एक आज की डेट में मुझे लगता है पिलर है आपके बैंड का, उस सिचुएशन को कैसे टैकल करना है? ये सिचुएशन तो मैं भी 2 बार टैकल कर चुकी हूँ। अच्छा, ऑलरेडी कर तो मेंबर्स का ऑलरेडी मैरिज हुई और उसके बाद ड्यू टू सम सर्टेन रीजंस वो कंटिन्यू नहीं कर पाए। ऑब्वियसली थोड़ा मुश्किल तो है ही, और खास तौर पर जब आपका शहर बदल जाए तो थोड़ा सा ज्यादा और मुश्किल हो जाता है। और रही बात इस बात की, तो मुझे लगता है देखिए वुमनिया बैंड तो बन चुका है, मुझे लगता है कि अब ये बैंड के अंदर मेंबर्स बदलते रहेंगे लेकिन ये बैंड तो चलता रहेगा, क्योंकि मैं भी एक सर्टेन समय के बाद हो सकता है कि मैं उतना गाने में या संभालने में कैपेबल नहीं रहूंगी, तो मेंबर्स तो नए आएंगे ही, तो अब इन्हीं लोगों को चार्ज लेना है, ये लोग करेंगे सब, मैनेज करेंगे इसको, और हम लोग एज अ सीनियर्स इन लोगों को गाइड कर सकते हैं और दे सकते हैं, बैकअप दे सकते हैं। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और इतनी चीजें आप लोगों के बारे में जानने को मिली हैं, और सच में आप एक इंस्पिरेशन है बहुत सारी लड़कियों के लिए जो अपने सपनों को जीना चाहती हैं, जो अपने पैशन को फॉलो करना चाहती हैं, और मैं तो
इस आज आप लोगों के साथ बैठ के मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है, और एक शो में हम तीन चार लेडीज बैठी हैं और इस तरह के टॉपिक पे जिक्र कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मुझे लगता है। और मैं कहूंगी भी हमारी जो लड़कियां हैं जो आना चाहती हैं इस फील्ड में, वो आप आपको ज्वाइन करें, आपको साथ आए और ब्रांचेस रहे हर शहर में वुमेनिया बैंड हो, इस तरीके का। बिल्कुल, मेरा तो विजन है पूरे देश में वुमेनिया बैंड जाना चाहिए। तो ये यहाँ से उठकर पूरा फैले पूरे भारत में और पूरे ग्लोब में बैठे, मेरी शुभकामनाएं हैं आपको। बहुत, और अब चलते चलते अगर आप तीनों मिलकर एक बड़ा अच्छा सा परफॉर्मेंस हमारे लिए कर दे, कोई आपका आप लोगों का जो फेवरेट हो। दीजिए, ये गीत बैंड का अपना गीत है, ओ हुमनिया, आप सबके लिए। हाँ, मैंने सुना है, बहुत प्यारा है। तेरे हौसले ही हैं तेरे हथियार, मुट्ठी में दुनिया करने को तू हो जा तैयार। चल उठ जा ना कर फिकर, तू तोड़ हर जंजीर। चल उठ जा ना कर फिकर, हिम्मत तेरी तकदीर। बदल दे तू सबका नजरिया, वुमनिया ओ वुमनिया, हाँ वुमनिया ओ वुमनिया, वुमनिया वुमनिया ओ। रंग जाने दे आसमां, आसमां तेरे सपनों के रंग से, देखो जमीं गा रही तेरे साजों पे। जरा आवाज दे एक और बार दे, झूमने दे जरा मन को कर आजाद ले। तेरी बीट पे नाचे सारी दुनिया, बहुत ही बेहतरीन, खूबसूरत और बहुत ही बिल्कुल टच करने वाला आपका जो वुमनिया है। और मेरी वुमनिया बैंड को बहुत शुभकामनाएं, आपने एक नए आयाम छुए और आपका 3 से 6, 6 से और 6,000 और 6,00,000 तक और पूरे भारतवर्ष और पूरे ग्लोब में आप फैले हैं और आपकी ब्रांचेस हों, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का हमसे जुड़ने के लिए। और आप सभी लोगों का हमेशा की तरह बहुत धन्यवाद हमें सुनने के लिए, हमें स्नेह और अपना आशीर्वाद देने के लिए, और इसी तरह से अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।